नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, 5 प्रत्याशियों ने कटाया एनआर। पर्व त्योहार और चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, एसएसपी ने शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील। हथरस कांड के विरोध में बांका में महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। फीस माफ करने की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल का किया घेराव, प्रबंधन पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से की मुलाकात, पूजा को लेकर मांगा गाइडलाइंस। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के कुल 5 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया। शनिवार को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में शाहकुंड के पंकज कुमार, दौलतपुर इंग्लिश के धर्मेंद्र सिंह, सुल्तानगंज के राजकुमार नंदकिशोर शर्मा और कमलागंज के राजन कुमार ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए नजारत रसीद कटाई। वहीं एनआर काउंटर समेत सभी जगह पर कर्मचारी ससमय उपस्थित दिखे, जबकि टिकट बंटवारे की घोषणा नहीं होने के कारण बड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने आलाकमान नेताओं की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से समाहरणालय परिसर जाने वाले कई सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि निर्वाचन आयोग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा सके। वहीं आरओ ने बताया कि नॉमिनेशन को लेकर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अगर किसी उम्मीदवार को नामांकन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो रही है तो वो हेल्प डेस्क का सहारा भी ले सकते हैं। वहीं नजारत रशीद कटाने आए जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार पंकज कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव में परिवर्तन तय है और बिहार की जनता नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम तीसरी मोर्चा से बिहार में तीसरी मोर्चा जो बनी है पार्टी जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी, हम उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज उन्हीं के जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मैंने एनआर कटाया और पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव मैदान में हम उतर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन होना तय है। पर्व त्योहार और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस की ओर से शनिवार को पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा और चुनाव के साथ चेहल्लुम और दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। इस दौरान फ्लैग मार्च का नेतृत्व सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने किया, जबकि एसपी पूरन कुमार झा समेत विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष और काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर पूरे देश के साथ साथ बांका फुल्ली डुमर प्रखंड की महिलाओं में भी काफी उबाल देखा गया। शनिवार को प्रगतिशील महिला संघर्ष मंच, खैरा लोक मंच एवं प्रगतिशील दलित संघर्ष मंच के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथरस गैंग के दोषियों को फांसी देने एवं योगी सरकार को होश में आने का नारा लगा रहे थे। इस दौरान महिलाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संजू देवी, शांति देवी, हिरमुनी हेमब्रम एवं अन्य वक्ताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी मां एवं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं ने यूपी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने एवं गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए फांसी पर लटकाने की मांग की। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिली तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राजेश खैरा, राजरानी देवी, माला देवी, बेशमी देवी, कुंती देवी समेत दर्जनों महिलाएं एवं युवक मौजूद थे। बलात्कारों को फांसी दें और इसका बलात्कार जो किया है उसका फांसी दे, जो महिला पर अत्याचार जो कर रहा है यूपी में वही का विरोध का प्रदर्शन है कि उसको हमको जो बलात्कार किया है उसको फांसी चाहिए। भागलपुर कारमेल स्कूल परिसर में शनिवार को अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर जमकर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में एकजुट हुए अभिभावकों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी छोटे बड़े व्यवसायियों का कारोबार लगभग ठप हो गया है। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों पर स्कूल प्रबंधन लगातार परीक्षा शुल्क एवं मंथली फी की राशि भुगतान करने का दबाव बना रहा है। साथ ही पैसा जमा नहीं करने पर स्कूल से बच्चे का नाम काटने की धमकी दी जा रही है। वहीं स्कूल प्राचार्य से मिलने और बैठक बुलाने की मांग को लेकर अभिभावक स्कूल परिसर के अंदर और बाहर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन प्राचार्य ने किसी भी प्रकार की वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों ने कहा कि यदि सोमवार को स्कूल की प्रिंसिपल ने पेरेंट्स मीटिंग कर उचित फैसला नहीं किया तो स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम सभी पेरेंट्स यहाँ जमा है, हम लोगों की केवल एक सिंपल से डिमांड है, एक पेरेंट्स मीटिंग बुला लीजिए, आप अपना बोलिए, हम भी अपनी बात रखेंगे, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोले। अगर आज और कल तक में निर्णय कुछ नहीं निकलता है तो सोमवार को पेरेंट्स से मिलने के लिए प्रिंसिपल नहीं आती है तो सोमवार को ये बृहद पैमाने में होगा और उस समय क्या होगा, हमारे अधिकारी लोग भी इस बात को पहले से जानकारी में रखें कि वो लोग अब अपना गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आगे आएगा, इससे पहले अधिकारी हो या स्कूल वाले हो कुछ कदम ले, नहीं तो सोमवार को फिर हम लोग बृहद पैमाने पे आ रहे हैं। इस कोरोना काल में जो भी काम कर रहे थे उनका सैलरी आधा हो गया, किसी को का नौकरी चला गया, बहुत कहानी है, सही ठीक है ना। अगर बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को भी बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है ना। अब ये बात रहा कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं कि जिस स्कूल में पढ़ाएं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि एक मीटिंग कर लीजिए कि जो पैसा देना है, ये छोटा छोटा चीज रखे हैं, मेंटेनेंस फी, स्मार्ट क्लास फी, ये सब तरह का जो फी है हम लोग नहीं देंगे। दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती एवं सदर एसडीओ आशीष नारायण से मिलकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस दौरान डीएम ने महासमिति के सदस्यों को बताया कि सरकार की ओर से अभी तक दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कोई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए पूजा समितियों को कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया जा सकता है। साथ ही डीएम ने कहा कि यदि पूजा समिति के पदाधिकारियों और सदस्य भारत सरकार के कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा संपन्न करा सकते हैं तो प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि 100 लोगों से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एकत्रित नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा किसी पूजा समारोह या आयोजन में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। इधर पूजा महासमिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रतिमा स्थापित करने को लेकर डीएम ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। अभय घोष सोनू ने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें तो प्रतिमा स्थापित कर पूजा किया जा सकता है, पर मेला लगाने पर प्रशासन द्वारा पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं आनंद मिश्रा ने कहा कि मेड़पति द्वारा जल्द ही बैठक कर कलश स्थापित कर पूजा की जाएगी या प्रतिमा स्थापित कर इसका निर्णय लिया जाएगा। मौके पर विनय सिन्हा, मानिक पासवान, आनंद कुमार मिश्र समेत महासमिति के अन्य पदाधिकारी, सदस्य और मेड़पति मौजूद थे। देखिए, अभी दुर्गा पूजा महासमिति की डीएम साहब के साथ एक बैठक हुई कि अब पूजा एकदम करीब आ चुका है, मतलब एकदम नज़दीक आ चुका है, और हम पूजा कैसे कलश के साथ प्रतिमा को बैठा करके पूजा करें। डीएम साहब के साथ एसएसपी भागलपुर भी थे, एसडीओ साहब भी थे। देखिए, जो भागलपुर की स्थिति है, चुनाव और कोरोना दोनों को देखते हुए जो कुछ बातें छन के आ रही है कि ठीक है, सरकार का गाइडलाइन है कि आपको किसी परिस्थिति में पूजा पंडाल में 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रखना है, मेला आपको नहीं लगाना है, विसर्जन में भी परेशानी आ रही है क्योंकि 26 को महादशमी है और 28 को चुनाव है, तो जब 28 को चुनाव है तो उस परिस्थिति में जो सारे जो तंत्र हैं, प्रशासन के तंत्र, वो चुनाव में भी लग जाते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता
जनता की कोई भी बात 1950 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ के जानकारी वोटर कार्ड कैसे बनी ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी मन की उदासी नस सिर दर्द हिस्टीरिया पागलपन मिर्गी अनिंद्रा सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब गांजा भांग ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर भागलपुर मौलाना चक स्थित खानकाह शहबाजिया में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम रविवार से शुरू हो जाएगा वहीं सूफी हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के 393वां उर्स ए पाक को लेकर खानकाह परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है साथ ही जगह जगह बल्ब झालर और रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था की गई है 3 दिनों तक चलने वाले उर्स को लेकर सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने बताया कि रविवार को मगरिब की नमाज के बाद झंडोत्तोलन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा सज्जादा नशी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सरकारी दिशा निर्देश और जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए किसी भी श्रद्धालु को खानकाह परिसर में ज्यादा समय तक ठहरने नहीं दिया जाएगा वहीं सज्जादा नशी इंतखाब आलम शहबाजी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से आस्थाना परिसर में भीड़ नहीं लगाने की अपील की है मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादा नशी करेंगे हम आपको बता दें कि हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के वार्षिक उर्स के अवसर पर काफी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कराना आयोजकों के लिए चुनौती होगी भागलपुर सनहौला के अमडंडा थाना क्षेत्र में शनिवार को बांध में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई मृतक की पहचान सठियारी बमिया गांव निवासी नकुल मंडल के 13 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि राकेश गांव के 4 बच्चों के साथ सुबह बकरी चराने बहियार गया था वहीं बकरी को घास चरता छोड़ चारों बच्चे गिदरा बांध में नहाने लगे इसी दौरान राकेश गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई घटना की जानकारी उसके साथ नहा रहे बच्चों ने दी जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन कर बच्चे की शव को नदी से बाहर निकाला और उसे निजी क्लिनिक ले गए जहां डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया घटना की सूचना मिलते ही अमडंडा थाना एएसआई नंदलाल शाह मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया वहीं मामले को लेकर अंचलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा
विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लाख सख्ती बरतने के बावजूद जिले में गोलीबारी एवं लूटपाट जैसी घटना आम हो गई है। ताजा मामला पुलिस जिला नवगछिया का है, जहां झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र में भीपुर बस स्टैंड के समीप NH 31 चौक पर शुक्रवार की रात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान बालू कारोबारी मड़वा निवासी लाखो चौधरी के 34 वर्षीय पुत्र निकेश चौधरी उर्फ निक्कू के रूप में हुई है, जिसे पैर में दो गोली मारने के बाद अपराधियों ने उसके डिपो से 3 लाख रुपए और 3 मोबाइल फोन लूट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही झंडापुर ओपी प्रभारी शिव प्रसाद रमानी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार हेलमेट लगाए 3 अपराधी देर रात निक्कू के डिपो पर पहुंचे और निक्कू को दौड़ाकर गोली मार दिया। ओपी प्रभारी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हाँ, क्या हुआ? घटना हो गया है 8:30 बजे के आसपास में, बीपुर चौक पड़ता है, थाना झंडापुर पड़ जाता है। उसी में ये गिट्टी और बालू के छोटे मोटे कारोबारी हैं, वो दुकान में बैठे हुए थे, तो दो तीन अपराधी आया है और तीन अपराधी आया है फायर कर दिया है, उसके पास पैसा था जो लेके चला गया। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी साइबर अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब सरकारी विभाग का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आवश्यक जानकारियों को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया जाता है, जिससे कई बार विभाग और अधिकारियों की छवि धूमिल होती है। ताजा मामला भागलपुर के जिला जनसंपर्क कार्यालय से जुड़ा है। दरअसल किसी अज्ञात के द्वारा IPRD का फर्जी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाया गया है, जिसको लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने SSP आशीष भारती को आवेदन देकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। DPRO आलोक कुमार ने कहा कि सरकारी स्तर पर IPRD का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से जिले की सरकारी गतिविधियों को अपडेट किया जाता है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि DM समेत स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई विभाग के अधिकारियों को टैग कर बैठक की फोटो और वीडियो भी पोस्ट की जाती है। बता दें कि IPRD का यह फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट जून 2020 में बनाया गया है और अकाउंट के 166 फॉलोवर भी हैं। वहीं SSP आशीष भारती ने कहा कि भागलपुर IPRD का फर्जी अकाउंट बनाए जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कुछ दिनों पूर्व जो है सो IPRD भागलपुर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई। मैंने उसका खुद जाँच किया तो हमको इसमें कुछ गड़बड़ी संज्ञान में आया है, इसके संबंध में मैंने अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी है। सरकार के लाख दावे के बावजूद बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र का है, जहां जगतपुर गैरैया के समीप विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर शुक्रवार की देर रात्रि स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लहसुन लोडेड वाहन को लूट लिया। अपराधियों ने वाहन समेत चालक और खलासी को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और स्कॉर्पियो के साथ लेकर फरार हो गया। हालांकि कुछ दूरी पर जाने के बाद अपराधियों ने चालक और खलासी को गाड़ी से उतार दिया, जिसके बाद परवत्ता पहुंचकर चालक और खलासी ने घटना की जानकारी नवगछिया पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस तुरंत एक्शन में आई और खगड़िया टाउन थाना से संपर्क कर खगड़िया मिल टोला रोड से लहसुन लोडेड गाड़ी के साथ 3 लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में कटिहार कुरसेला निवासी अजय मंडल, नवगछिया तिनटंगा निवासी दिवाकर कुमार और पीरपैंती निवासी आशीष कुमार शामिल हैं। पूर्णिया निवासी चालक सुभाष शर्मा ने कहा कि पूर्णिया बेखलपुर से 1.5 लाख का 101 बोरा लहसुन लेकर भागलपुर लोहिया पुल के लिए रवाना हुआ था, लेकिन विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के समीप अपराधियों ने स्कॉर्पियो से ओवरटेक कर वाहन को रोक दिया और 6 अपराधियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। ऑरल कैंसर देश में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। 3 प्रकार के कैंसर में इसका स्थान भी शीर्ष पर है। वहीं भागलपुर के दंत रोग विशेषज्ञ सह मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार ने बताया कि शरीर में ऑरल कैविटी के कैंसर को ऑरल कैंसर कहा जाता है। ऑरल कैविटी में होठ, गाल, तालू, मसूड़े, टॉन्सिल, जीव और जीव के अंदर का हिस्सा आता है। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर होने के कारण ऑरल कैविटी के भागों में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑरल कैंसर देश की एक प्रमुख बीमारी के रूप में उभरी है और यह सबसे ज्यादा पुरुषों में ही पाया जाता है। इसका मुख्य कारण पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं अल्कोहल का सेवन है। इससे बचाव के लिए लोगों को तंबाकू का सेवन त्यागना होगा, साथ ही सरकार को तंबाकू निषेध कानून का सख्ती से पालन कराना होगा। देखिए, मेरा विभाग चेहरा और मुंह के बीमारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा पेशेंट अभी मुंह के कैंसर के बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी जो चलन हो गया है गुटखा, तंबाकू, जिस पर कि सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है, इसको लेकर
काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेशेंट बढ़ रहे हैं, मुंह के कैंसर से जूझ रहे हैं। उसमें युवा वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा, हम पेशेंट्स जो देख रहे हैं, जो एज ग्रुप देख रहे हैं, उसमें युवा वर्ग भी अब उतने ही हम लोगों को मिल रहे हैं। युवा वर्ग में गुटखा खाने का चलन, सिगरेट पीने का चलन, तंबाकू खाने का चलन बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण ये रोग की रोकथाम नहीं हो पा रही है, रोग पेशेंट्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, 5 प्रत्याशियों ने कटाया एनआर। पर्व त्योहार और चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, एसएसपी ने शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील। हथरस कांड के विरोध में बांका में महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। फीस माफ करने की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल का किया घेराव, प्रबंधन पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से की मुलाकात, पूजा को लेकर मांगा गाइडलाइंस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।